Hello friends, once again I am here, your trainer, your guide, Jaspal Rawat. Friends, video is new but the instructions are same. Learn the sentences in the video and see the improvement in your English. And why so? For this you have to refer my previous videos. So let's start. The verb for today's video is hurt, to cause bodily injury or injury to feelings. Jakhmi hona, takleef pahunchana, thes pahunchana. He was badly hurt in the accident. वो एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गया. The wound still hurts him. जख्म उसे अब भी तकलीफ देता है. My back still hurts. मेरी कमर अब भी दुखती है. We must not hurt the feeling of anyone. हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए. The questions and answers in this video are related to news, समाचार. Are you interested in watching news? क्या आपको समाचार देखने का शौक है? Yes, I am. No, I am not. हाँ मुझे है. नहीं मुझे नहीं है. Do you read newspaper? क्या आप अखबार पढ़ते हो? Yes, I do. No, I don't. हाँ मैं पढ़ता हूँ. नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ. When do you read newspaper? आप अखबार कब पढ़ते हो? I read newspaper with my morning tea. I read in the evening after office hours. मैं सुबह के चाय के साथ अखबार पढ़ता हूँ. मैं शाम को ऑफिस के बाद अखबार पढ़ता हूँ. Which newspaper do you read? आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? I read Times of India. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ. जो भी आप पढ़ते हो आप उसका नाम लोगे. What do you like to read in newspaper? आप अखबार में क्या पढ़ना पसंद करते हो? I read general news. I read sports. I am interested in politics. जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो. मैं आम खबरें पढ़ता हूँ. मैं खेलकूद की खबरें पढ़ता हूँ. मुझे राजनीति में रुचि है. डू यू थिंक रीडिंग न्यूज पेपर इज इम्पोर्टेंट? क्या तुम्हें लगता है अखबार पढ़ना जरूरी है? यस, इट इंक्रीजेस योर नॉलेज एंड लैंग्वेज. इट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. आई थिंक एवरी वन शुड रीड न्यूज पेपर. जी हाँ, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आपकी भाषा में सुधार आता है. इससे आपका व्यक्तित्व भी निखरता है. फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो? इविल आई, मैलिशियस लुक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुरी नजर. डोंट कास्ट योर इविल आई ऑन माई पेट डॉग. मेरे कुत्ते पर अपनी बुरी नजर नहीं डालो. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, इट इज ए वेकअप कॉल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, नाउ फॉर यू द टाइम हैज कम टू बी अलर्ट. अब समय आ गया है. जैसे हम कहते हैं, अब समय आ गया है
क्या हमें डिजिटलाइजेशन को स्वीकार कर लेना चाहिए? फ्रेंड्स, इफ द वीडियो वॉज गुड प्लीज लाइक इट एंड इन फ्यूचर नॉट टू मिस माई इंपॉर्टेंट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब फॉर इट एंड यस डोंट फॉरगेट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. थैंक यू. कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.